नहीं देखिए, चैलेंज नहीं था। मैं देखो, लोकतंत्र में क्या होता है कि चुनाव एक बड़ी प्रक्रिया होती है और शायद सबसे बड़ा त्यौहार होता है, और जब चुनाव हो तो रोचक हो। देखो, कुल मिलाकर हम लोग जब मैच देखने जाते हैं किसी भी स्टेडियम में तो हम उम्मीद करते हैं कि मैच रोचक हो, अच्छा लगता है, हार जीत किसी की भी हो। लेकिन यदि मैच एक तरफा हो जाता है, मैंने भारत यदि चुनाव मैच जीत जाता है एक तरफा, तो भी मजा नहीं आता, बहुत लोग बीच में छोड़ के चाहते हैं। और जब हम मूवी देखने जाते हैं तो भी मूवी में अगर इंटरेस्टिंग नहीं होती है तो पूरे 3 घंटे बैठते नहीं, लंच में ही छोड़कर चले आते हैं। तो कुल मिलाकर आज मेरा कहने का सिर्फ तात्पर्य है कि चुनाव है, उसी प्रकार से अगर यहां पर अखिलेश जी किसी को भेजे ही था, तेज प्रताप को समझ में आ गया, उनको हमने पहले ही कहा था, लेकिन उनका घमंड था, हम किसी को भेज देंगे, कन्नौज जीत जाएगा। तो अगर तेज प्रताप के साथ ये मैच होता तो मैच भारत और नेपाल की क्रिकेट टीम के जैसा होता, लेकिन अब मैच भारत और पाकिस्तान के जैसा होगा, और जीतना भारत को ही है कोई भी वर्ल्ड कप हो। तो क्या अखिलेश यादव की तुलना पाकिस्तान के द्वारा चैलेंज किया गया था, चैलेंज कैसे किया, कितना चुनौती देखते हैं? नहीं देखिए, चैलेंज नहीं था। देखो, लोकतंत्र में क्या होता है कि चुनाव एक बड़ी प्रक्रिया होती है और शायद सबसे बड़ा त्यौहार होता है, और जब चुनाव हो तो रोचक हो। देखो, कुल मिलाकर हम लोग जब मैच देखने जाते हैं किसी भी स्टेडियम में तो हम उम्मीद करते हैं कि मैच रोचक हो, अच्छा लगता है, हार जीत किसी की भी हो। लेकिन यदि मैच एक तरफा हो जाता है, मैंने भारत यदि चुनाव मैच जीत जाता है एक तरफा, तो भी मजा नहीं आता, बहुत लोग बीच में छोड़ के चाहते हैं। और जब हम मूवी देखने जाते हैं तो भी मूवी में अगर इंटरेस्टिंग नहीं होती है तो पूरे 3 घंटे बैठते नहीं, लंच में ही छोड़कर चले आते हैं। तो कुल मिलाकर आज मेरा कहने का सिर्फ तात्पर्य है कि चुनाव है, उसी प्रकार से अगर यहां पर अखिलेश जी किसी को भेजे ही था, तेज प्रताप को समझ में आ गया, उनको हमने पहले ही कहा था, लेकिन उनका घमंड था, हम किसी को भेज देंगे, कन्नौज जीत जाएगा। तो अगर तेज प्रताप के साथ ये मैच होता तो मैच भारत और नेपाल की क्रिकेट टीम के जैसा होता, लेकिन अब मैच भारत और पाकिस्तान के जैसा होगा, और जीतना भारत को ही है कोई भी वर्ल्ड कप हो। क्या अखिलेश यादव की तुलना